सबसे पहले अभय दुबे, मेरा सवाल आपसे है, जनता ने इतना प्यार दिया, इतनी तारीफ मिली कि देखिए आते ही किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, आप लोग यूपी बिहार वालों को बाहर निकालने पे तुल गए, वो भी तब जब कमलनाथ खुद उत्तर प्रदेश से आए हुए। रोहित जी, कमलनाथ जी का ये बयान कि मैं यूपी और बिहार की आलोचना नहीं करता, आलोचना की तरह देखा जाएगा। और जब और वो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ी करेगी जिसने आज तक ने 2009 में स्टोरी बताई थी, शिवराज सिंह चौहान सतना में कह रहे थे फैक्ट्री के उद्घाटन में कि सतना में कारखाना लगे और यूपी और बिहार के लोग नौकरी ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी महाराष्ट्र की लेकर आए, क्या नोटिफिकेशन किया कि 80% महाराष्ट्र के नागरिकों को, युवकों को नौकरियां मिलेगी? भाई साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, बिहार के लोग आपकी अपनी पॉलिसी है या बीजेपी की पॉलिसी से सरकार चलाते हैं? लेकर आने वाले हैं आप बीजेपी की पॉलिसी से सरकार चलाते हैं क्या? कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए द्वार खोले हैं। आपने साफ साफ कहा द्वार बंद करने का यहां प्रश्न नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आके नौकरी ले जाते हैं, इसका मतलब ये कि आप सरासर गाली दे रहे हैं यूपी बिहार वालों को, जो मेहनत कश लोग अपने घर बार छोड़ के आते हैं काम करते हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं? रोहित जी, गाली क्या होता है मैं बताता हूं। जब विजय गोयल जी राज्यसभा में कहते हैं कि दिल्ली के प्रगति तभी जब ही संभव है जब यूपी और बिहार के लोगों को यहां आने से रोका जाए, ये गाली है यूपी और बिहार के लोगों के लिए। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा वो डेरोगेटरी है। कमलनाथ जी ने ये वक्तव्य क्यों दिया एक 10 सेकंड में मैं बताता हूं। दिल्ली का उदाहरण निकाल लाए, शीला दीक्षित का उदाहरण नहीं मिला होगा आपको इंटरनेट पे ना, आज तक की वेबसाइट पे, दो शीला दीक्षित का बयान नहीं मिला होगा ना, वेबसाइट से ही लिया है मैंने, वो नहीं मिला आपको वहां पर। 2007 से 16 तक 12 इन्वेस्टर मीट हुई, 17,49,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए, 50,000 करोड़ रुपए का भी निवेश नहीं आया, 27 पावर प्रोजेक्ट। तो ये सवाल उठाइए ना सर, यूपी बिहार वालों को क्यों गाली दे रहे हैं? एक इन्वेस्टमेंट नहीं आया। आपको शिकायतें शिवराज सिंह चौहान से हैं, यूपी बिहार वालों से क्यों गाली दे रहे हैं सर? उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं? हमें किसी से शिकायत नहीं, हम अपना काम पर ध्यान दे रहे हैं। पहले 10 मिनट में कमलनाथ जी ने 34 लाख किसानों का और 12वें मिनट में यूपी बिहार वालों को गाली दे दी कि इनको बाहर करो, ये नौकरी खा जाते हैं यहाँ के। 12वें मिनट में जो निर्णय लिया है वो बेटियों की शादी का 51,000 रुपए मध्य प्रदेश की सरकार देगी, ये निर्णय दिया है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर का 13वें मिनट का निर्णय है, 14वें मिनट का निर्णय है, आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने का। सारे फैसले कल से टीवी पर दिखा रहे हैं, मुझे ये सब मत बताइए, ये कल से टीवी पर चल रहा है। मुझे केवल एक सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए, यूपी बिहार के लोग आके नौकरी खा जाते हैं इसका क्या मतलब है? कमलनाथ उत्तर प्रदेश से आके मध्य प्रदेश की राजनीति जब करते हैं, मुझे केवल ये बता दीजिए, 38 साल से छिंदवाड़ा के सांसद बनके कमलनाथ किसका हक खा रहे थे? मैं आलोचना नहीं करना चाहता, ये बड़ा बयान उनका है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। आलोचना नहीं करना चाहता, ये लोग नौकरी खा जाते हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, बहुत बढ़िया है। खा जाते नहीं, ओके सर, देखिए खा जाते नहीं, पा जाते हैं, पा जाते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, शब्द प्रयुक्त नहीं किया सर, कोई पा जाता है तो वो दूसरे का खा ही जाता है, जैसे कमलनाथ किसी का खा गए होंगे अगर वो 38 साल से मध्य प्रदेश में सांसद हैं, यूपी से आकर। तो विनम्रता से मैं ये कह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश के युवाओं के अधिकारों का प्रश्न है, मैं चाहता हूं क्योंकि प्रदेश पूरे देश के मतलब हर राज्य ने केवल मध्य प्रदेश में राज करना है ना, किया हुआ है, भारत में राज करने का सपना आप लोग छोड़ चुके हैं, अब बाकी राज्यों के लोगों को आप ऐसे लड़ाएंगे आपस में? कमलनाथ जी जब भारत सरकार में मंत्री, क्योंकि हमें सरकार चलानी है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जब सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश और बिहार को उन्होंने दिया है। मुझे सर ये बता दीजिए, राज ठाकरे बनना चाहते हैं क्या कमलनाथ? ये देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता होकर नहीं रहा है, राज ठाकरे हो जाना चाहते हैं क्या? कमलनाथ जी ने पदभार ग्रहण करते ही मध्य प्रदेश की तरक्की का जो प्रशस्त मार्ग निर्धारित कर दिया वो भाजपा को, और उस प्रशस्त मार्ग पे यूपी बिहार वालों को बाहर धक्का देना पहले। भाजपा के वित्त मंत्री कह रहे थे हम तो खजाना खाली कर गए, कमलनाथ जी कैसे किसानों का कर्ज माफ करते हैं? हमने 10 मिनट में आप करते रहिए राहुल गांधी की तरह, कि मुझे ये पता है, ये पता है, वो पता है, इस मुद्दे को इवेड करते रहिए लगातार, ये बोल के कमलनाथ जी तो कह रहे थे आलोचना नहीं। देखिए मैं नहीं, फिर सर, कहता हूं कमलनाथ सर जी छोड़ दीजिए, आप जरा यूपी बिहार वालों को सुन लीजिए, इसका अर्थ अगर भाजपा ये निकाले कि बिहार और यूपी के खिलाफ बयान दिया है तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है। जरा यूपी बिहार वालों को सुन भी लीजिए, जरा उनकी भावनाएं भी जान लीजिए, समझ लीजिए। सुनील यादव
और राजीव रंजन, उत्तर प्रदेश और बिहार दो अलग अलग राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के नेता मेरे साथ हैं सर, जिनमें से एक आपके साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ चुके हैं और महागठबंधन में आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनको खींचने की। लेकिन सुनील यादव, महागठबंधन तो अभी दूर की कौड़ी है, 3 महीने बाद चीजें तय होंगी। इसको कौन सहन करेगा कि यूपी बिहार वाले आके नौकरी खा जाते? करेंगे आप लोग सहन? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे रोहित जी। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की है, ये भाषा गुजरात में बोली जाती थी, महाराष्ट्र में बोली जाती थी, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी दिल्ली में ये भाषा बोली जाती थी। और अगर कमलनाथ जी को बहुत तकलीफ है यूपी और बिहार के लोगों से, तो मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं रोहित जी आपके कार्यक्रम में। नहीं, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक सवाल पूछ रहा हूं, ये देश क्या यूपी और बिहार के बिना तरक्की कर सकता है? हम तो कहते हैं कि ये देश बिना किसी छोटे राज्य को भी इग्नोर करके ये देश तरक्की नहीं कर सकता, और इस देश की तरक्की में यूपी बिहार का बहुत योगदान है। और अगर कांग्रेस को ये लगता है या मध्य प्रदेश के नेताओं को यह लगता है यूपी और बिहार के लोग किसी का हक खा जाते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने आएंगे, अगर उत्तर प्रदेश सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे आप? तो मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल पर, आपके इस कार्यक्रम में, कि कांग्रेस को भी इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए और कमलनाथ जी को भी इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए। का भावार्थ समझिए, उन्होंने कहा कि मैं आलोचना नहीं करता उत्तर प्रदेश बिहार की, अगर उत्तर प्रदेश अच्छा बिहार के तो मैं कह रहा हूं यूपी और बिहार के लोगों से आप माफी मांग लीजिए। सर लड़िए मत, मैं कह रहा हूं, रुक जाइए, अभी तो आपने एक को सुना, मैं कह रहा हूं कि देश की तरक्की में यूपी बिहार को आप दूसरे नजरिए से क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं, एक सेकंड सुनील जी, आपने तो उनके सामने यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए यूपी दरवाजा बंद कर देगा तो क्या करेंगे? वो जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात पे, कहां धर्म संकट में डाल रहे हैं उनको आप? उससे पहले एक बार राजीव रंजन को एक सेकंड, अब जी ये जो लकीरें आप लोग खींच रहे हैं ना कि यूपी बिहार वालों ये आके हक खा जाते हैं, ये लकीरें आप ही के लिए जेल का काम करेंगे एक दिन। रुक जाइए एक सेकंड, राज ठाकरे आज तक बाहर नहीं निकल पाए उन दीवारों से जो उन्होंने खुद खड़ी की। रुक जाइए एक सेकंड, पार्टी का सर एक सेकंड रुक जाइए, षड्यंत्र उनका है, आप लोग उनकी पॉलिसी क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं गुजरात में ऐसा होता है, महाराष्ट्र में ऐसा होता है, फलानी जगह ऐसा होता है? आपका राजा है तो आप वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास, उसके पहले राजीव रंजन, अधिकार राज्यों का कि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा। पासपोर्ट लगा दीजिए ना फिर यूपी बिहार वालों के लिए, बोलिए कि वीजा पासपोर्ट लेके आना है, मध्य प्रदेश में आना है। तो प्रश्न नागरिकता का नहीं है, नागरिकता का नहीं है रोहित जी, ये तो रोजगार का प्रश्न है और हर एक संवैधानिक अधिकार मुख्यमंत्रियों को है कि वो एड्रेस करें। अगर मध्य प्रदेश के युवा रोजगार पाते हैं तो क्या तकलीफ है इसमें भारतीय जनता पार्टी? अभय जी, पॉलिसी बनाना और किसी राज्य विशेष को टारगेट करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। राजीव रंजन, यूपी बिहार वालों को टारगेट करके क्या ज्यादा वोट मिल जाते हैं? बिल्कुल, या जय जयकार हो जाती है उससे?